वृक्ष क्या है आपका जीवन? सोचा नहीं है अभी अंतिम लक्ष्य के बारे में। अंतिम लक्ष्य तो मर जाना है सब। वो तो खैर, वो तो खैर 1 किलोमीटर मैं हमेशा लोगों कहता हूँ कहाँ है, 2 किलोमीटर बस शमशान घाट, वही अंतिम लक्ष्य वही है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं। मालूम नहीं अंतिम लक्ष्य, एक अच्छा बेहतर बन आदमी बनूं, बेहतर अभिनेता माना जाऊं, और शायद जो जिस समाज ने इतना कुछ दिया है अब मैं इतने लंबे संघर्ष मेहनत के बाद, तो मैं पता नहीं कैसे उस ऋण को उतार पाऊं। 80 साल की उम्र में अगर मेरा दोस्त आता है तो मैं क्या इंट्रोड्यूस करूं, किस रूप में आपको इंट्रोड्यूस करूं, आप कौन, क्या बोलूं मैं उसको कि ये हमारे मित्र हैं, और किस रूप में बोलूं आपको? पता नहीं, ये हमारे मित्र हैं और पहले अभिनय करते थे, मुझे नहीं मालूम 80 की उम्र में। अरे गुरु इतना सोचते हो, इतना आत्ममंथन करते हो। आप बताओ। हाँ आप बताओ, बस बताइए आप। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ 80 साल की उम्र में अपने दोस्त को, तो आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि मुझे लोग इस दुनिया में इस रूप में जाने, इस रूप में इंट्रोडक्शन करें, मेरे मरने के बाद लोग याद करें इस रूप में? मैं अभी उतना नहीं, खाली बस बतौर अभिनेता और बतौर बेहतर व्यक्ति याद करें कि आदमी ठीक थे। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे मालूम है गलत है, उसे बताइएगा आप। ये है मंगेश भाटी जी, हमारे परम मित्र हैं, परम मित्र बहुत जरूरी है। हाँ। है ना, नंबर एक बहुत ही सादगीपूर्ण इन्होंने जीवन जिया है। हाँ। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर होने के बावजूद भी। हाँ। और आज सफल वक्ता हैं, और आप इनके साथ 15 मिनट बैठिए, आपका जीवन परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है, गुड। क्योंकि आप ओरेटर हो ना, तो आपके पास स्क्रिप्ट है, हम दूसरों के स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो ये शब्द को शायद मैं ना बोल पाता, पर आप सही है, ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, और लगभग ऐसा ही होगा। देखा, कहते हैं ना विजनरी है, कोई मानता ही नहीं ससुराल। तो क्या मोटा मोटी कहानी क्या है क्रिमिनल जस्टिस? आज जुबिनाइल जस्टिस के ऊपर है। एक बच्चा एक अपराध में फंस जाता है, और चूंकि जो बच्चा अपराध में फंसता है तो कहीं ना कहीं परिवार भी परेशान होता है, क्योंकि हर बच्चे किसी परिवार से आते हैं, और जब परिवार परेशान होता है तो उसमें सामाजिक ताना बाना भी आ जाता है। तो उसकी कहानी है, एक एक स्तर पे एक वो इंटेंस लीगल ड्रामा चल रहा है, दूसरी तरफ मेरे घर पे मेरी पत्नी और साले के साथ थोड़ा लाइटर ट्रैक चल रहा है, कि मैं दिन में कोर्ट में होता हूँ तो वहाँ ड्रामा होता है, घर पर आते हैं तो यहाँ पर कॉमेडी ड्रामा होता है साले के साथ में। साले के साथ में तो अच्छा है, बहुत ही ग्रिपिंग इंटरेस्टिंग कहानी है, लीगल बैटल है ये, और इस बार आज मुझे पता चला कि दो दो एपिसोड के फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा। एक साथ पूरा नहीं आएगा, 25 को मतलब कल आज रात में इनफैक्ट 2 एपिसोड आएंगे, और फिर अगले फ्राइडे को थर्सडे नाइट में 2 एपिसोड। जब आपका सेकंड सीजन देख रहा था, इंटरेस्टिंग था, और आप कैरेक्टर अगर माशाल्लाह पहले सीरीज से भी बहुत इंटरेस्टिंग था, वो आपको पैर में मुझे चोट लगी थी। हाँ। प्रिपरेशन बहुत कमाल था, खुद ही चलती थी वो, सेकंड एपिसोड में वो सिद्ध नहीं कर पा, क्या हुआ क्या था? आई थिंक मैंने बोला सेकंड सीजन में कि यार उसको रखो दो, फिर राइटर्स का मानना था कि सीजन वन में एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है माधव मिश्रा, एक दो सीन है। हाँ। और वो बोलता है कि भैया ये जो तुम्हारे एग्जीम खुजली है ये बाहर से नहीं है, अंदर से है। जब वो बताता है कि जैसे समंदर अपने बीच के कचड़े को बार बार क्लीन कर देता है, साइड पे निकाल देता है जो भी फेंकोगे, तो आदमी को ज़िंदगी में क्लींस करना चाहिए, तो तुम्हारा जो गिल्ट कुछ है क्या? तो बताता है एक केस था, सतीश नाम का क्लाइंट था, और पत्नी के मर्डर में मैंने उसको बचा दिया, और बाद में मालूम चला कि अपराधी वहीं था, तो वो गिल्ट कहीं था। तो बोला वो गिल्ट निकाल दो अपने भीतर का, तो बोले कि उसके बाद से अब लाइफ में थोड़ा आगे निकल गया है, तो एक्जिमा का पार्ट हम लोग छोड़ दे रहे हैं, कि वो गिल्ट की वजह से था और वो कम हो गया। मुझे इस बार पूरी सीरीज में देखा, मैं कई बार लगा कि यार ये जो वकील है थोड़ा लकी का फकीर भी है। हाँ। इसलिए कि अचानक में भयानक हो जाता है ऐसे जिंदगी में। हाँ। बिचारा गया किसी और चीज के लिए, बढ़िया उसको केस मिल गया। हाँ। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है व्यक्तिगत जीवन में कि भाई अब क्या बताएं, एक बार ऐसा हो गया? लेकिन हो गया, क्या करें, मालूम नहीं पड़ा, नहीं हो गया। हाँ हाँ, पूरा जीवन ही ऐसा हुआ है। क्या क्या हुआ? अरे भाई गांव में रहते हुए ऐसे इतना रूरल बैकड्रॉप का लड़का, सोचा एक्टर बनूंगा, एक्टर बन गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ड्रामा है। कि मेरा अभी मैं 3 दिन पहले 4 दिन गांव पे था, रात को बैठ के तारे देख रहे थे, और मैं ये सोच रहा था कि यार आज से 25-30 साल पहले यही तारे देखते थे, तब बिजली भी नहीं थी गाँव में, सोचते थे एक्टर बनेंगे क्या, वहाँ भी बन गए।
तो ये असंभव खुद ही असंभव लगता है अपने आप में ही। आपने पूछा ना कि कुछ साल पहले मालूम था कि इतने पॉपुलर हो जाओगे। आई नो कि अभी लोग, जैसे पिछले दिनों एक मेरी शॉर्ट फिल्म थी लाली करके, हॉटस्टार पे आई, कोई प्रमोशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, एक ट्रेलर डाले, ट्रेंडिंग नंबर वन थी शॉर्ट फिल्म हॉटस्टार पे, 35 मिनट की। और तो कैसे शॉर्ट फिल्म लोग देख रहे हैं बिना प्रमोशन के, तो लोगों का प्रेम है, खोजते होंगे, दिखा होगा कि अरे एक फिल्म आई है जिसमें 10 मिनट कोई डायलॉग नहीं है, सिंगल टेक 10 मिनट विदाउट डायलॉग उस शॉर्ट फिल्म में, वो ट्रेंडिंग नंबर वन चल रही है, तो शायद लोगों का प्रेम है, कनेक्ट है। ऑफ कोर्स भाग्य होता है, लेकिन बिना परिश्रम के नहीं होता है, बिना परिश्रम। मेरे ख्याल से बहुत कुछ, टीनेजर के साथ जो आजकल क्या मुसीबतें चल रही है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर है, परिवारों का, अर्बन परिवारों में की क्या स्थितियां हैं, तो काफ़ी कुछ है जो कि देखते हुए आपको मनोरंजन के सिवाय थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करेगा। तो आपको लगता है टीनेजर को देखे कि आजकल थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके जीवन में या उनके माँ बाप के जीवन में, आपको लगता है कभी महसूस होता है क्या कि आजकल के जब किसी भी टीनेजर से मिलते हैं आप तो उनके जीवन में बड़ा उठापोह मचा हुआ है या उनके पेरेंट्स के उठापोह मचा हुआ है? हाँ हाँ, नहीं वो तो है ही ना, हमारे हम जब ग्रोइंग एज में थे, आप या मैं, तब हमारे पास इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं था, तो हमें कम से कम वो इंस्टाग्राम और बाकी जी सोशल प्रेशर तो नहीं थे ना, सोशल मीडिया के प्रेशर, हमें सिर्फ सोशल प्रेशर थे गांव के कि कोई चाचा देख लेंगे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है फालतू में। तो अभी तो वो तो अब एक वर्चुअल प्रेशर भी है ना, ये तो बहुत ही कमाल है। हाँ, ये तो बहुत ही खतरनाक है, सारा दुनिया की किसी कोने में बैठ के कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, तो वो हमारे बचपन में नहीं था भाई। मेंटल ट्रॉमा होता होगा ना, जब ऐसे पढ़ते होंगे आप लोग, देखते होंगे तो अरे बाप रे ये क्या लिख दिया, होता है कुछ ऐसा? मेंटल ट्रॉमा नहीं होता है, मुझे तो पहले मेंटल ट्रॉमा से ज्यादा लगता है कि वर्चुअल दुनिया में थोड़ा व्यक्ति ज्यादा रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। हम आपको मान लीजिए अपमानित किए तो आपके चेहरे का भाव मैं देखूंगा ना कि पांडे जी को बुरा लग गया यार, वहां तो मैंने कुछ लिख दिया, मुझे पता नहीं है सामने वाले का एक्सप्रेशन, तो मैं देख सकता हूं मजाक भी कर रहा हूं आपसे, तो आपको मालूम है मजाक कर रहा था। हां, सामने में, सामने में मालूम है कि मजाक कर रहा था, लेकिन वहां तो इसलिए हमें संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है, और खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये बात तो सही है, जितने लोग इस समय देख रहे हैं आप लोग जरूर संवेदनशील बनिए भाई, खास करके वर्चुअल दुनिया में, क्योंकि आप तो वही रह गई और क्या, नहीं तो और जस्टिस के लिए लड़ना तो पड़ेगा जिस तरह से माधव मिश्रा लड़ रहे हैं। आपको वकील वकील बना कभी मौका मिले तो? नहीं नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं आज तक किसी केस मुकदमे में नहीं गया हूँ, अभी तक बचा हुआ हूँ। पर लड़कियाँ जितनी कन्याएं हैं वो तो कहती हैं माधव ऐसा मिल जाए तो हम इसको वकील बना लें, प्यार करती हैं उनका, प्रेम है। हाँ, प्रेम है उनका, बहुत प्यार करती हैं क्या जी? ज्यादा ही करती हैं, बाहर देख रहा था मैं, कन्या एकदम विचलित थी, एक बार फोटो खिंचवा देते, एक बार मिला देते। अरे नहीं, वो उनका स्नेह प्रेम है। कैसे एक्सेप्ट करते हैं जब कोई आपको प्रेम देता है इतना, आपकी तारीफ करता है? मैं खुली भावों से एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपको मैं, आप असल में क्या है ना, वो मैं नहीं हूँ, मेरे किरदार हैं जो स्क्रीन से निकल के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पे लोगों के दिल दिमाग में पहुँचते हैं, और वो उनका प्रेम है, उनके प्रति प्रेम है। हम छोटे होते हैं अभिनेता, चरित्र बड़ा होता है, क्या बात, पर्दे पे करते हैं, हमारा चरित्र हमारे जीवन में देखा जाता है ना कि स्क्रीन पे। लकली मैं जीवन वाले आचरण पे भी ध्यान देता हूँ। क्या बात है भाई, अधूरा सच आप लोग जान पाएंगे, जरूर देखिए हॉटस्टार पर क्रिमिनल जस्टिस, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पांडे जी, पिक्चर पांडे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।